सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आप देख रहे हैं जय गेमर्स। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ पबजी, वो भी पहली बार। वैसे मैंने इससे पहले बैटल रॉयल गेम खेली नहीं है, फिर भी सो शुरू करते हैं। कब लोडिंग होगा। हो गया। इसके कंट्रोल्स थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे लगता है। और जो दोस्तों मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वो है ओप्पो A52 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसके पहले मैंने फ्री फायर खेला था थोड़े दिन पहले, लेकिन फ्री फायर के ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है जितना पबजी में है। हम उतरेंगे फार्म में सेल्टार। चलो दोस्तों चलते हैं शेल्टर पे। शेल्टर नहीं बल्कि मेंशन, वहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ अच्छी लूट मिलेगी। वैसे तो ये गेम लूट का ही होता है ना। दोस्तों देख लीजिए, मुझे एक बंदा दिखा, मुझे लगा ये बहुत प्रो है। इसके कपड़े देख के तो मुझे लग रहा था वो बहुत प्रो है, लेकिन जब मैंने UMP से उसकी थच्चियाँ उड़ा दी तब ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर दोस्तों मैं जा रहा था इस घर में, घर ने बिल्डिंग मेंशन कुछ तो होगा, और मुझे पता था यहाँ पे। फिर दोस्तों मैं इस घर से निकल के
उस बड़े वाले अपार्टमेंट में गया, अपार्टमेंट नहीं ये भी गोडाउन जैसा है, इस पे गया। फिर यहाँ से उसको बहुत सारी गोलियाँ मिली, गोलियों के साथ एक स्कोप भी मिला था, 4x वाला एक स्कोप मिला था। फिर यहाँ पे मुझे एक आर्मर मिला बुलेट प्रूफ। फिर मैं इस घर पे गया, हाँ इस घर पे मुझे 4x मिला था। फिर थोड़े से बैंडेजेस, फिर आर्मर वही वाला पुराना कमजोरी। फिर मैंने आगे जाने का निर्णय लिया। आगे जा जैसे रहा था, फिर मैंने स्कोप चेक किया, स्कोप तो 4x लग गया था। फिर भी यहाँ से मैं आगे एक बार गया था, फिर एक और बार आना पड़ा। फिर मैं यहाँ पे आगे गया। आगे जाते 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 मैंने सोचा कि कहीं कोई मिलेगा, या कह सकते हैं कोई एनिमी मिल सकता है। एनिमी हमारे यहाँ पे सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बंदा 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 बंदा। फिर मेरा जो नेट है उसका इशू बहुत बार हुआ, उसकी वजह से मेरा पूरा गेम ही बिगड़ गया ऐसा लगता है। फिर आगे जा ही रहा था, फिर मैं इस पहाड़ी के चट्टान के ऊपर गया। फिर मुझे यहाँ से एक घर दिखा, वो छोटा वाला घर। जाते 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 क्या मुझे लगा था कि इसके अंदर कोई बैठा होगा, छुपा बैठा होगा जिसे मैं मार सकूं। फिर इस घर के मैं अंदर गया। अंदर जाते ही मुझे इसके अंदर कुछ वैसे अच्छे लूट नहीं मिला, फिर भी ठीक है, एक एसकेएस मिला। फिर किसी ने गोलियां चलाई, मुझे लगा था कि कोई बाहर से गोलियां मंगवा रहा है, मार रहा है। फिर मैंने एसकेएस को उठा लिया, फिर वहाँ पे चला गया ऊपर। मुझे लगा था ऊपर से किसी ने गोली मारा, फिर साइड से मारा। ओ मैंने पीछे देखा, पीछे देखते ही एक बंदा। फिर इसके मैंने बजा दिया फटाक से हेडशॉट। अभी जा रहा था मैं उसके लूट को लेने, और मैंने सिर्फ किया 2 किल्स अभी तक। फिर मैं आगे आगे जाते जाने के लिए सोचा, और आगे गया भी। जैसे मैं आगे जा रहा था, जाके मैंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग देखा। बिल्डिंग मतलब अपार्टमेंट समझो। आगे गया आगे गया, नाउ दोस्तों इंजॉय द सॉन्ग फॉर 2 or 3 minutes। Thank you.
तो दोस्तों आ गया हूँ मैं वापस, और मैं और एक एनिमी को ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे छुप छुप के खेलने की आदत नहीं है। मैं तो रस करके सबको मारना चाहता हूँ। फिर मुझे यहाँ से थोड़ी दूर एक घर नज़र आया। आगे गया, वो रहा एक घर। मुझे लगा था मैं इसमें नहीं आया, लेकिन फिर उस क्रेट ने मुझे बता दिया कि मैं इसमें एक बार आके चला गया हूँ। और आगे वो मैं फिर वो बिल्डिंग की ओर नज़र मारा। फिर मैं जा रहा था, इतने में मुझे कोई भी एनिमी नहीं मिला। फिर मैं देख रहा था, मुझे लगा कि वो एक एनिमी है, पर वहाँ पे एक बाइक थी। फिर जा रहा हूँ, मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि इस घर में कोई एनिमी या कोई बंदा बैठा हुआ है चुपके मुझे मारने के लिए। फिर मैं इस वाले घर में आया, मुझे एक फर्स्ट एड मिला। इससे मेरा शक वो कुछ भी नहीं हुआ शक को। फिर मैं आगे गया, मैंने सोचा इस बाइक को क्या हुआ, ये बार बार उठना चाहता है फिर से गिर जाता है। फिर मैंने सोचा मैं ही इसको लेके चला जाता हूँ। फिर मैं रास्ते गया, जा जा के मुझे यहाँ पे एक ख़राब गाड़ी मिली जो कि कोई काम की नहीं थी, जो चलती ही नहीं थी, वो काम की कैसे हो सकती है। फिर गया, मैंने सोचा मैं तो जोन के बाहर चला गया, इसलिए फिर मैं जोन के अंदर जाने के लिए घूमा। घूम के मैं जा रहा था, जा जा के बाइक की स्पीड 134, 137, 140, 142, 144, मुझे पता नहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, लेकिन मेरे हाथों से तो 145 ही हुआ था। फिर मैं आगे जाता रहा। इसके बाद मैं इस जगह पे आया, पर यहाँ पर भी मुझे कोई एनिमी नहीं मिला, बल्कि एक गाड़ी मिली, लेकिन मैंने गाड़ी को नहीं लिया। मैं एनिमी ढूंढ रहा था। फिर पहाड़ों की ओर गया, पहाड़ों की ओर से ऊपर 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 जाता रहा, फिर से नीचे आ गया रोड पर। रोड से जाने में कोई भलाई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि वो वहाँ ऊपर पहाड़ से चलते हैं, अभी देखते हैं क्या होगा। और ये उछल गई बाइक, और ये मुझे ना दोस्तों ये बाइक कैसा अनुभव कराती है पता है, ऐसा वो जो BMW का GX क्या बोलते हैं उसको, कमेंट में बताना, नाम भूल गया। फिर ऊपर जाता रहा, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर एक और बार, और यहाँ पे सेफ लैंडिंग। फिर आगे जाता रहा, और ये यहाँ पर मैं मर गया। मुझे लगा बाइक मेरे ऊपर गिर गई, लेकिन मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक और बार मैं बाइक लेकर चला गया। इतने में मैं जब जा रहा था, इतनी स्पीड पकड़ ली ना बाइक ने, फिर सीधे जाके एकदम नीचे गया, और अभी नहीं थोड़े बाद में बताता हूँ, और ये अभी हो जाएगा और ख़त्म। अब मैंने इसको भी नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं और आगे जा रहा था, जाते 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 जाते, और ये हो गया
खत्म। और फिर मुझे ऐसे बाइक ने ठोका दे दिया।